नमो बुद्धाय बंते जी। हेलो, सुन पा रहे बंते जी? क्या बोलिए। भगवान ने जैसे कहा है, चेतना अहम भिक्खवे कम्मं वदामि। तो चेतना जो होती है, योनिसो मनसिकार विचार जो होते हैं, उसका मूल क्या वेदना होता है, या फिर वेदना को मतलब ऑब्जर्व करके आगे जो होता है उस हिसाब से अपने को चेतना डेवलप करनी है? दरअसल अकॉर्डिंग टू अभिधर्मा देखेंगे तो एक चित्त क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में बाइट होता है ना, बाइट क्यूबिट होता है, 8 8 बाइट का एक क्यूबिट होता है, नहीं 8 बिट का एक बाइट होता है, क्यूबिट टू क्वांटम बाइट अलग है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक चित्त क्या होता है हमारा, एक चित्त बनने के लिए हमें 7 चीजों की आवश्यकता होती है ना। अभी 7 चीज तो मैं इतना क्लियरली नहीं है, लेकिन उसमें रूप होता है, वेदना होती है, संज्ञा होती है, चेतना होती है, और उसके बाद होता है उसमें प्राण होता है, और उसके बाद होता है एकाग्रता होती है, और एक होता है जीवित इंद्रिय बोलते हैं उसको, जीवित इंद्रिय माने तो प्राण। ये ऐसे कुल मिला के 7 चीजें होती है, तब जाके एक चित्त उत्पन्न होता है ना। ये सातों का मिला के एक चित्त उत्पन्न होता है ना। तो जब चित्त उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये 7 चीज वहां पे होती ही होती है, अगर नहीं है इसमें से एक भी मिसिंग है तो चित्त वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। तो चेतना भी होती है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी उत्पन्न होती है, और एकाग्रता भी होती है, और जीवित इंद्रिय भी होता है, और रूप भी होता है ना। तो ये 7 चीजें हैं, तो वहां पे एक चित्त उत्पन्न होता है, और ऐसे एक के बाद एक के बाद एक, माने कि एक बूंद उत्पन्न हुआ, बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिला के एक बूंद उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार दूसरा बूंद, ऐसे करते करते एक धारा उत्पन्न हो गई, एक नदी बन गई, उसी प्रकार से हमारा चित्त बन गया पूरा का पूरा, है ना। तो वो सभी होते हैं उसमें, लेकिन आमतौर की भाषा में अगर कहेंगे तो हमें कुछ तो भी सुखद लगता है, हमें कुछ तो भी दुखद लगता है, हमें कुछ तो भी प्रिय लगता है, हमें कुछ तो भी इट्ठा तंता मनापा रूपा, और कुछ तो भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अमनापा है ना, अनिट्ठा। तो उसके पीछे ये बुरा लगने के पीछे नहीं चाहिए का भाव जहाँ भाव होता है, चाहिए का जो भाव होता है वो चेतना होती है ना। तो चेतना इम्प्योर होने के कारण ये तृष्णा होती है, अगर वो प्योर हो जाती है तो वहां पे तृष्णा नहीं रहते, उसको सम्यक संकल्प कहेंगे। एक तो मिथ्या संकल्प होता है, मिथ्या चेतना कहेंगे, सम्यक संकल्प होता है, सम्यक चेतना कहेंगे, है ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो मिथ्या मिथ्या चेतना उत्पन्न होने के लिए किसी चीज का, किसी चाहिए का भाव, अनचाहिए का भाव, नहीं चाहिए का भाव, उसके लिए चाहिए होता है क्योंकि कारण चाहिए होता है, लेकिन सम्यक चेतना उत्पन्न होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में सम्यक है ना। तो इस प्रकार से ये सम्यक चेतना और मिथ्या चेतना भी हम मिथ्या चेतना में हम फर्क कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर किसी को हेल्प करना है तो उसके पीछे आपकी कोई चेतना नहीं होती, आप केवल उसको हेल्प कर देते हैं, वही कुशल कर्म है ना। चेतना नहीं होना ही अपने आप में कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है ना। जैसे भगवान ने बताया पुनेति चित्तम पुण्य, कि केवल उसको सुख का एहसास हो रहा है, केवल उसका चित्त आनंदित हो रहा है, प्रमोदित हो रहा है ना, तो वो अपने आप में कुशल चेतना है, क्योंकि वहां पे कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है। जब भी चित्त उत्पन्न हो रहा है उसके साथ चेतना जुड़ी है, तो कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है तो कुशल चेतना ही जुड़ी होती है। समझो एक बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसको देख के हमें खुशी होती है, कुशल चित्त उत्पन्न हुआ, खुशी क्यों उत्पन्न हुई, कुशल चित्त के कारण उत्पन्न हुई, उसके पीछे चेतना क्या है खुशी उत्पन्न होने के लिए, कुछ नहीं, मुदिता भाव है केवल, वो बच्चा हंस रहा है और हम हैप्पी हो गए, किसी को हेल्प करके हम हैप्पी हो गए, चेतना कुछ नहीं है उसके पीछे, चाहत की फ्यूचर का कुछ नहीं है, वर्तमान में ही वो चेतना परिपूर्ण है, वर्तमान में ही वो चेतना हैप्पी है ना। लेकिन जब वो अकुशल रहेगी तो भविष्य के बारे में चिंता करेगी, भूतकाल में के बारे में रहेगी, जब वर्तमान में ही वो सेटिस्फाई है चेतना, तो अपने आप में वो कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, इस प्रकार से समझिए। तो बंते जी, मतलब इसको मूल करने के लिए वेदना जरूरी है कि नहीं? चेतना मतलब डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता अपने को, तो अभी विपश्यना के माध्यम से वेदना इम्पोर्टेंट, मतलब कैसा उसका ये कर यूटिलाइजेशन?
अगर उसके पीछे देखेंगे वेदना का, अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसके ऊपर हमने तो वीडियो बनाया है अच्छे से, तो वेदना का अभ्यास कैसे करना है, वेदना के पीछे जो चित्त उत्पन्न होता है, जो चेतना उत्पन्न होती है, सब कह सकते हैं आपकी वेदना के पीछे एक उत्पन्न होता है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो क्या है, चेतना है, चाहिए चाहिए, सुखदाय तो चाहिए चाहिए, राग व्यक्त करता है, द्वेष अनुशय उत्पन्न करता है, मोह अनुशय उत्पन्न करता है, वो चेतना ही उत्पन्न करती है, अकुशल चेतना, चाहिए चाहिए का भाव, नहीं चाहिए नहीं चाहिए का भाव, है ना। हमने एक द्विधा वितक्क सुत्त नाम से मध्यम निकाय का बनाया है, वितक्क संतान सुत्त, ये दो सुत्त बनाए हैं, तो वो आप देखिए परेति धम्मा में यूट्यूब चैनल पे होंगे, तो उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि सम्यक संकल्प और मिथ्या संकल्प, तो उसमें विपस्सना कैसे करनी है, चेतना योनिसो मनसिकार कैसे करना है चेतना का, वो भी अच्छे से समझाया है ना, कि चेतना के पीछे जो चित्त आता है उसको कैसे अकुशल होता है, कैसे आने से कुशल हो जाएगा, है ना, अनासक्त अव्यापार अहिंसा आने से कैसे कुशल हो जाएगा, उसको हमने अच्छे से एलाबरेट किया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते। ठीक है, तो ज्यादा जी यही मत, फक्त लोभ युक्त है क्या, द्वेष युक्त है क्या, मोह युक्त है क्या, लोभ उत्पन्न होता है चेतना के साथ होता है, द्वेष उत्पन्न होता है चेतना के साथ उत्पन्न होता है, तो वो नहीं उत्पन्न हो देना, नहीं होने देना है, वह कुशल चेतना है, उत्पन्न हो रहा है वह अकुशल चेतना है, ठीक है, इतना ही समझ लेते तो अच्छा। जी आपका उत्तर समाधान कारक है। साधु साधु साधु।